नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर कामरान अकमल ने बीसीसीआई को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। कामरान अकमल ने कहा कि इंडियन बोर्ड ने अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने उनके प्लेयर को पीएसएल या फिर किसी और लीग में खेलने को मना किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि आईपीएल ये 2 महीने चलता है और उसके बाद काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली जाती है और वैसे भी देखा जाए तो उनके प्लेयर को जरूरत नहीं है। इंडिया के सारे प्लेयर फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है बाकी लीग्स में जाके खेलने की। इंडिया के प्लेयर्स को उनका बोर्ड काफी ज्यादा सैलरी देता है, इसलिए हमारे बोर्ड ने भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, जिसके वजह से पाकिस्तान में भी अच्छे प्लेयर बनेंगे। इंडिया टीम के पास देखे तो 14 से 15 प्लेयर है जो 100 टेस्ट मैच से ज्यादा खेल चुके हैं, और अगर हमारी बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 से 3 प्लेयर है जो 100 टेस्ट खेल चुके हैं। इंडिया अपने क्रिकेट और अपने प्लेयर्स को काफी ज्यादा वैल्यू करती है। वर्ल्ड के सारे प्लेयर को आईपीएल खेलना अच्छा लगता है, और अगर देखे तो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग या आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है, और सिर्फ बिग बैश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की कोई भी लीग आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है, और इसलिए इंडिया टीम का नाम बड़ा है क्रिकेट में। नंबर टू गाइज, रवि शास्त्री ने इंडिया टीम के वाइस कैप्टन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रवि शास्त्री ने कहा कि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि इंडिया ने कभी भी वाइस कैप्टन अपॉइंट नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा इंडिया ने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारना चाहिए, और अगर कैप्टन को फील्ड से बाहर जाना पड़ता है तो किसी भी प्लेयर को आप कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपको ड्रेसिंग रूम से इंस्ट्रक्शन आते हैं, इसलिए वाइस कैप्टन बनाने से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वाइस कैप्टन परफॉर्म नहीं करता है तो टीम को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और एज अ टीम आप उसे निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपका वाइस कैप्टन होता है। इसलिए स्पेशली होम कंडीशन में मुझे वाइस कैप्टन रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और बात ओवरसीज टूर की है तो आपने रखा तो भी चल जाएगा, क्योंकि वाइस कैप्टन के वजह से आप ऐसा प्लेयर नहीं खेला पा रहे हो जो रेड हॉट फॉर्म में है। शुभमन गिल अपने प्राइम फॉर्म में चल रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी सारे रन बना सकता है और वो डिजर्व करता है टीम में जगह, इसलिए मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने उसका फॉर्म यूज करना चाहिए। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि केएल राहुल भी ट्रिमेंडियस प्लेयर है और वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ता है वो टैलेंट रिजल्ट में, लेकिन केएल राहुल ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ब्रेक लेना प्लेयर के लिए अच्छा होता है और फिर ब्रेक के बाद वो कमबैक कर सकता है। और जब मैं कोच था तब हमने भी पुजारा को ड्रॉप किया था, लेकिन उसने स्टाइल में अपना कमबैक किया, तो ऐसे ही केएल राहुल के साथ भी हो सकता है। नंबर थ्री गाइस, ईशांत शर्मा ने अपने एक मेमोरी रिवील करते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। ईशांत शर्मा ने कहा कि मेरा सबसे लोएस्ट मूवमेंट क्रिकेट में 2013 में आया था, जब हम मोहाली में खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और वो मैच मेरे लिए सबसे वर्स्ट मैच थी और वो मूवमेंट मेरे लिए काफी टफ था, और वो इसलिए नहीं था कि मुझे काफी ज्यादा रन्स पड़े थे, मुझे बुरा इसलिए लगा था क्योंकि हम मैच हारे थे मेरी वजह से और ये लॉस मुझे काफी हर्ट हुआ था, और उस टाइम मैं मेरी वाइफ को डेट करता था और तब मैं उसे रोज कॉल करके रोता था इस मूवमेंट को याद करके। मुझे बार बार दिमाग में यही आता था कि मेरे वजह से टीम हार गई, लेकिन एक अच्छी बात मेरे साथ ये हुई थी कि माई भाई और शिखर धवन उस मैच के बाद मेरे रूम में आए थे और मुझे कहा कि टेंशन मत ले, तू अच्छा खेला, और एक खराब मैच जाने से प्लेयर खराब नहीं हो जाता, तू इंडिया के लिए आज भी एक अच्छा बॉलर है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।